क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए के से आप की में एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ अगर आप पाकिस्तान के बाहर हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं अपने शिनाखती कार्ड को आप खुद अपने मोबाइल फोन ऐसी रिन्यू कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद है वो उसमें मोडिफिकेशन भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा मोडिफिकेशन नहीं कर सकते लेकिन जो ओवरसीज़ में मौजूद हैं वो तकरीबन जितने भी मोडिफ़िकेशन होती है शिनाती कार्ड में वो खुद कर सकते हैं यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो सी एन आई सी है उसमें मोडिफ़िकेशन ऑनलाइन नहीं हो सकती जो नाइकॉप है उसमें मोडिफ़िकेशन ऑनलाइन हो सकती है यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ अगर आपके पास सी एन आई सी है या फिर आपके पास नाइक है यानी कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ है आपके पास तो वह दोनों का काम करती है मतलब अगर आपके पास सी एन आई सी है तो उसको भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नाइकॉप है जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर अवर्सिस पाकिस्तानी है तो उसको भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अब दोनों सी एन आई सी भी और नाइकॉप भी एक टाइम पे दोनों अपने पास नहीं रख सकते मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों के पास सिंपल उर्दू कार्ड या फिर बेशक सी एन आई सी जो स्मार्ट सी एन आई सी होता है वो होता है उसके बाद वो नाइकऑफ बना लेते हैं उसके बाद नाइक होने के बावजूद वो जो पहले वाला सी एन एस होते हैं उसको भी अपने पास रखते हैं उसको भी अपने पास यूज करते हैं तो ऐसा हर गीज नहीं करना चाहिए जो आपका पहले वाला कार्ड है उसको फौरी तौर पर कट करके तो वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि नादरा में हमारा हमेशा वही रिकॉर्ड होता है जो चीज हम बाद में बनवाते हैं मतलब पहले सी एन एस नंबर तो हमारा सेम होता है लेकिन उसके इश्यू और एक्सपायरी डेट के हिसाब से उसका उसमें रिकॉर्ड जो है हमारा अपडेट हो जाता है तो इसलिए हमेशा से जो बाद में अपने कार्ड बनवाया हुआ उसको अपने पास रखना है पहले वेले को आपने वेस्ट कर देना है उसके बाद बहुत से अहम सवाल हैं वो भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में कवर कर दूँ उसके बाद एक इशू आता है कि शनाखती कार्ड को कितने साल एक्सपायर होने से पहले और कितने साल एक्सपायर होने के बाद हम रिन्यू करवा सकते हैं ऑनलाइन आपका शनाखती कार्ड चाहे बीस साल हो गया एक्सपायर हो गया पाँच साल दस साल सात साल नादरा ऑफिस में जा तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं लेकिन लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऑनलाइन रिन्यू करने की तो जो आपका सी एन आई सी यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं तो अपने शिनाती कार्ड को एक्सपायर होने के एक साल के अंदर अंदर रिन्यू ऑनलाइन करवा सकते हैं एक्सपायर होने से पहले दो साल चार साल पाँच साल भी करना चाहें रिन्यू तो वो उसको कर सकते हैं मोडिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई करके चाहे अभी पाँच साल रहते हैं उनका मूड है हाल ही में पिक्चर चेंज कर लूँ या सिग्नेचर चेंज कर लो तो उसको मॉडिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई करके सिग्नेचर चेंज करके अप्लाई कर देंगे तो उनका कार्ड अपडेट होके आ जाएगा अगले फ्यूचर वाले दस साल के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानियाँ जिनके पास नाइकऑप होता है उनका कार्ड चाहे पाँच साल हो चुके हैं छः साल हो चुके हैं सात साल एक्सपायर हो चुके हैं तो फिर भी उसको रिन्यू कर सकते हैं और जो भी ओवरसीज में मौजूद हैं उनको कभी भी सी एन एस सी अप्लाई नहीं करना चाहिए हमेशा नाइकॉप अप्लाई करना चाहिए क्योंकि नाईकॉप जो नाईकॉप है उसको आप ओवरसीज में डिलीवर करवा सकते हैं सी एन आई सी को आप ओवरसीज में डिलीवर नहीं करवा सकते उसकी क्या वजह है जो सी एन आई सी है उसके ऊपर आप यानी कि सी एन आई सी हो या नाइकॉप हो दोनों पे एक प्रेजेंट एड्रेस होता है एक परमानेंट एड्रेस होता है प्रेजेंट और परमानेंट दोनों आप सेम लिखवाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है या फिर दोनों अलग अलग लिखवाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है तो जो सी एन आई सी होते हैं उसके ऊपर दोनों एड्रेस पाकिस्तान के ही होने चाहिए चाहे एक इस्लामाबाद का हो एक कराची का हो वो नो शू लेकिन दोनों यानी कि कंट्री पाकिस्तानी होगा और जो नाइकॉप है उस पर आप परमानेंट पाकिस्तान का करके प्रेजेंट एड्रेस जो आप जिस जगह पे मौजूद है वहाँ का लिखवा सकते हैं और चिनाती कार्ड उसी एड्रेस पे डिलीवर होगा जो आपने प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ होगा

डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आप किस बिना पे चेंज कर रहे हैं आप परमानेंट एड्रेस अगर चेंज करते हैं तो उसके लिए भी आपका प्रूफ चाहिए उसके लिए प्रूफ क्या चाहिए आपका भाई या फिर आपके फादर मदर उनमें से यानी कि ब्लड रिलेशन में से आपके किसी के शनाती कार्ड पर वो एड्रेस लिखा हुआ है जो अभी आप लिखवाना चाहते हैं या फिर आपके नाम पर कोई बिल वगैरह है बिजली का गैस का या फिर आप जिस जगह पर रह रहे हैं जो आप का घर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी के पेपर पे आपका नाम है तो फिर आप परमानेंट परमानेंट्रेस उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है यानी सी एन एस कर रहे हैं या नाइक नाइकऑप अप्लाई कर रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस को चेंज करने के लिए कोई भी अजाफी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए उसका कोई इशू नहीं है प्रेजेंट एड्रेस आप जितनी बार अप्लाई करें जितनी बार मर्जी चेंज करें उसका कोई इशू नहीं है डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं वो डेट ऑफ बर्थ भी ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते अपने नाम में भी चेंजिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन लेकिन जो ओवरसीज़ में मौजूद हैं वो डेट ऑफ बर्थ भी ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं और उसके बाद अपने नाम में भी चेंजिंग करना चाहिए तो वो कर सकते हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि यानी कि जो ओवरसीज़ में मौजूद है उसका मतलब वो नहीं कि जो पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ गेम है वो भी ऑनलाइन नहीं कर सकते ओवरसीज़ में बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार के जो ओवरसीज़ में मौजूद है उनका यानी कि नाइकॉप बात करने का मकसद है सी एन आई सी के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम की ऑनलाइन क्रक्शन नहीं कर सकते नाइकॉप के अंदर अपने नाम की कोक्शन भी कर सकते हैं और आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं किसी भी मुल्क में नहीं गए आप नाइकॉप अप्लाई करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर आपका प्लान है किसी दूसरे कंट्री में जाने का आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं आप विजिट नहीं करना चाहते नादरा ऑफिस का तो आप सी एन आई सी से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी नाइकॉप अप्लाई कर सकते हैं नाइकॉप अप्लाई करके तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ की कोैक्शन कर सकते हैं याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ की जब आप चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए वैलिड प्रूफ में आपका कोई आपके पासपोर्ट के ऊपर वो डेट है जो आप अभी अभी करवाना चाहते हैं मैट्रिक की सन्नत वगैरह है उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ़ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप इस पर लगवाना चाहते हैं यानी कि ये वैलिड प्रूफ है अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है तो वो लीगल में नहीं आता फिर वो ये होता है बहुत से लोगों का मैसेज आता है मेरी मेरे पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है पासपोर्ट हर चीज़ के ऊपर जो अभी मेरे शनात कार्ड पर है वही डेट लिखी हुई है लेकिन मैं इसको पाँच साल कम करना चाहता हूँ या पाँच साल ज़्यादा करना चाहता हूँ कोई तरीका बताएँ देखें ये चीज़ इ में आती है तो इलीगल यानी कि आपने पहले अपनी मर्ज़ी से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो हर चीज़ पे लिखी हुई है उसको अब आप चेंज करवाना चाहते हैं यानी कि वो इलीगल में ही आ गया ना कि मतलब उसको आप पाँच साल के लिए कम करना चाहते हैं या पाँच साल के लिए ज़्यादा करना चाहते हैं किसी भी बिना पे तो इसके लिए कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है इसके लिए आप नदरा ऑफिस जाके वो जो आपको बोलें वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं लेकिन इसके लिए ऑनलाइन कोई भी तरीक़ा नहीं है और दूसरे नंबर पर यह आता है कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमारा तो छः साल हो गया स्नाती कार्ड एक्सपायर हुआ हुआ है हम पाकिस्तान के बाहर रहते हैं तो क्या हमारी पाकिस्तानी नेशनैलिटी ख़त्म हो गई है पाकिस्तानी कमियत यानी कि ख़त्म है तो आपका सी एन एस सी एक्सपायर होने से नेशनलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती आप चाहे हाँ इसमें एक ये चीज़ आती है कि आपने ऐसे कंट्री में जाके नेशनलिटी ले ली है जिस कंट्री का आप पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनका पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी का जो है वो नहीं है यानी कि डुअल नेशनलिटी आप नहीं रख सकते तो ऐसी सूरत में भी आपकी नेशनलिटी उस सूरत में कैंसिल होगी जब आप उसको खुद कैंसिल करवाएंगे बहुत से कंट्रीज़ हैं वहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए पहले वाली नेशनैलिटी यानी पाकिस्तानी नेशनैलिटी को कैंसिल करना पड़ता है तो ऐसे बिना पे जब आप खुद कैंसिल करवाएंगे नेशनलिटी तो वो तभी नेशनलिटी आपकी कैंसिल होगी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की सूरत में जो नेशनलिटी है उसका कोई इशू नहीं होता और उसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है वो है मेरिटल स्टेटस के बारे में देखें अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं जब आपकी शादी हो आपको फौरी तौर पर नादरा के रिकार्ड में मेरिटल स्टेटस को अनमेरिड से मेरिट करवा लेना चाहिए जब तक आपका मैरिटल स्टेटस नादरा के कार्ड में अनमेरिड से मैरिड नहीं होगा आपके बच्चों का बेफारम नहीं बन सकता तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपकी शादी हो फौरी तौर पे इसको जो है वो अनमेरिड से मैरिड करवा लें ताकि आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े जा क्योंकि ऐसा होता है जब आप ओवरसीज़ में होते हैं फैमिली को बेचते हैं नादरा ऑफिस बेफारम बनवाने के लिए बच्चों को तो वो कहते हैं इसके जो फादर है उनका तो मेरिटल स्टेटस ही अभी अन है तो पहले वो करवाएं और फिर ये इधर आएँ ऐसी सूरत में जो है वो एमरजेंसी में भी सब कुछ करना पड़ जाता है एमरजेंसी में आपको फीस वगैरह भी ज़्यादा देनी पड़ जाती है तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो पहले ही ये सब चीज़ें रेडी करके रखें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तब भी आप ऑनलाइन मोडिफिकेशन करके इसको अनमेरिट से मेडिट कर सकते हैं ओवरसीज़ में मौजूद हैं तब भी आप इसको अनमेरिट से मेडिट कर सकते हैं तो ये कुछ अहम सवाल थे कुछ अहम चीज़ें थी पाकिस्तानी शिनाती कॉर्ड के हवाले से उम्मीद है कि आपके जहन में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाफ़